इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर मटेरियल के ट्री स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। एंगुलर मटेरियल को यूज करके कैसे ट्री स्ट्रक्चर इस प्रकार का आप क्रिएट कर सकते हैं। ये फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। हो सकता है कि एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर कई सारे अदर फाइल्स और फोल्डर फिर से हैं, उस फोल्डर के अंदर फिर कुछ फाइल्स हैं और कुछ फोल्डर हैं, तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, फाइल को देख सकते हैं, फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं उसके अंदर। तो इन सारे चीज़ों को आप कैसे बिल्ड करेंगे, इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं दूंगा। मैं YouTube पर देखा इस टाइप का वीडियो अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है जो इतना क्लैरिटी के साथ समझाए हैं, और आर्टिकल भी बहुत कम मिलेगा, इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाता है। हो सकता है कि आपके केस में ये फोल्डर हो फ्रूट और एप्पल डॉट जे पी जी, हो सकता है फाइल हो, या फिर बनाना डॉट ई एक्स ई फाइल हो सकता है, फाइल का टाइप भी हो सकता है ई एक्स ई है, इमेज का है, एम पी फोर है, ओके एम पी थ्री है, इस टाइप का उसका टाइप भी हो सकता है। तो फाइल्स और फोल्डर को आप क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप के हायरार्की को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें वेरिएबल के अंदर देखिए ग्रीन है, ग्रीन के अंदर मैं ओपन करूँगा तो इसमें ग्रीन जो वेरिएबल है उसका लिस्ट आ रहा है। तो इसको बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करना है, अपने एंगुलर मटेरियल लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, ठीक है। एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एपीआई पे उसका एपीआई लेना है, उसका एपीआई का नेम है मैट ट्री मॉड्यूल। तो एंगुलर मटेरियल में हर चीज़ का एपीआई होता है, एपीआई मींस मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उस मॉड्यूल्स को आप रीयूज करेंगे, उसको यूज करेंगे। ऑलरेडी आपको बना बनाया मॉड्यूल्स मिल गया है, जस्ट आपको इसको यूज करना है आप अपने काम को आसान करने के लिए। तो मैट ट्री मॉड्यूल्स ये एपीआई का नेम है, मॉड्यूल का नेम है, इसी के मदद से आप करेंगे बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि मैट ट्री मॉड्यूल ही चाहिए, इससे रिलेटेड पी मॉड्यूल्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे ये एरो का साइन है, एरो का साइन के लिए इसको एक्सपेंड करने का फीचर के लिए बटन का जो देख सकते हैं, जब क्लिक कर रहा हूँ तो एक राउंड कलर का, एक ब्राउन कलर में एक राउंड कलर का कुछ आ रहा है। तो ये सारे जो डिज़ाइन है, ये सारे जो फंक्शनलिटी है पहले से बने हुए हैं, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें भी इम्पोर्ट करेंगे तभी ये फंक्शनलिटी वर्क करेगा, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको ये मॉड्यूल मैट ट्री मॉड्यूल तो इम्पोर्ट करना ही है, और उसके इफ़ेक्ट को देने के लिए उससे रिलेटेड बटन्स हो गए, ओके, और मे बी अगर चेक बॉक्स यूज कर रहे हैं कि फाइल्स हैं, फाइल्स को चेक बॉक्स से चेक करके उसको डाउनलोड कर सकें, तो चेक बॉक्स का एंगुलर मटेरियल का अगर यूज कर रहे हैं फीचर और डिज़ाइन यूज कर रहे हैं तो उसका मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इट्स ऑल राइट। तो आपको क्या क्या करना है, सब इससे रिलेटेड मॉड्यूल्स को पहले इंपोर्ट करना है अपने रूट मॉड्यूल में, रूट मॉड्यूल मींस ऐप मॉड्यूल में या फिर पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल में। अगर आप किसी पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए अगर इस टाइप के फंक्शनलिटी को बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको यूज करेंगे, ओके तो वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए मैं मेन डॉट टी एस में, क्योंकि ये मेरा हायरार्की है तो मेन डॉट टी एस में मैं किया हूँ, आपके केस में मैं भी ऐप मॉड्यूल में आप कर सकते हैं। तो ऐप मॉड्यूल में अपने जो भी मॉड्यूल से फीचर मॉड्यूल में जिस मॉड्यूल के लिए आप यूज कर रहे हैं उस कंपोनेंट को, वहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट किया हूँ रिलेटेड मटेरियल को, ओके रिलेटेड एंगुलर मटेरियल के मॉड्यूल्स को, इट्स ऑल राइट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कंपोनेंट में आपको दो चीज़ें करना है, एक है नेस्टेड ट्री कंट्रोल, इसको इंपोर्ट करना है, देन मैट ट्री नेस्टेड डेटा सोर्स, इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है कि उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो इंस्टेंस में आप नेस्टेड ट्री कंट्रोल, अगर इसका जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसमें जस्ट कुछ एज अ पैरामीटर, एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ये देखिए कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली,
और यहाँ पे आपको उसके चिल्ड्रेन को आप बता रहे हैं, ठीक है। ट्री कंट्रोल मतलब इसके चिल्ड्रेन के लिए है, सपोज दैट एक फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकता है तो उसके लिए है। देन डेटा सोर्स, आपको एंगुलर मटेरियल को, एंगुलर मटेरियल का जो मॉड्यूल्स हैं जिसको बोलते हैं मैट ट्री निस्टेड डेटा सोर्स, उसमें डेटा सोर्स आपको देना पड़ेगा तभी वो डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप डेटा देंगे तभी तो इंटरनली जो बिल्ड किया गया है इस टाइप के फीचर को वो उसको रेंडर करा पाएगा, तो डेटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डेटा दिया गया है, तो इनिशियल उसका इंस्टेंस क्रिएट किया गया है और उसमें डेटा को सेट किया गया है बेसिकली, तो उसके लिए इंस्टेंस क्रिएट किया गया है। अब ये इंस्टेंस का डेटा टाइप क्या होगा, तो वो है फुट नोट। फुट नोट मतलब आप इंटरफेस कुछ भी क्रिएट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं इसको ट्री नोड में कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटरफेस आप क्रिएट कर दीजिए। इंटरफेस स्ट्रिक्ट टाइप चेक इन के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं, बट हर केस में फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा इस टाइप से। ओके, तो आप एक इंटरफेस क्रिएट कर दीजिए। इंटरफेस यूज करना और स्ट्रिक्ट डेटा को बताना है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो। ओके, मतलब ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो डेटा का टाइप है वो यही है। स्ट्रिक्ट डेटा चेकिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये एक इंटरफेस आप क्रिएट कर दिए। इंटरफेस में आप नेम दे दिए, नेम फाइल का नेम हो सकता है, फोल्डर का नेम हो सकता है, और अगर उसके अंदर फोल्डर अगर ये हुआ तो उसका चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेन के अंदर फाइल और फोल्डर दोनों हो सकता है, बट ये ऑप्शनल है। हो सकता है कि एक फोल्डर के अंदर कोई फाइल ना हो, या फिर फाइल ही हो, उस फाइल के अंदर फोल्डर थोड़ी होता है, फाइल के अंदर चिल्ड्रेन नहीं होता है, तो उस केस में आप इसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं। देखिए ये ऑपरेटर यूज किया गया यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क्स और यहाँ पे कॉलन समथिंग। ओके, तो आपके केस में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, डेटा टाइप ऐसा हो सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल और फोल्डर नेम होगा, तो आप नेम लिख दीजिए, ऐसा डेटा आएगा, नेम ABC कुछ भी हो गया। एंड देन उसका टाइप हो सकता है कि ये जो डेटा है उसका टाइप क्या है, तो यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ अभी के लिए। ओके, और ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में होता है, आपको पता होना चाहिए, जेसन ऑब्जेक्ट। एंड इसका टाइप आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल ABC समथिंग लाइक डैट। तो इसका टाइप हो सकता है कि EXE हो, EXE उस एप्लीकेशन हो सकता है। देन इसके चिल्ड्रेन हो सकते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार से चिल्ड्रेन लिख सकते हैं। एंड देन चिल्ड्रेन के अंदर ये एक एरे हो सकता है, एरे के अंदर फिर ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट। तो आपका जो डेटा आएगा एक डेटाबेस से वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये चिल्ड्रेन हमारा, चिल्ड्रेन का स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार के, इसी के इंटरफेस के जैसा होगा, इसीलिए यहाँ पे ट्री नोड इसका डेटा टाइप दिया गया है, और ये एरे है, ठीक है, ये एरे है। तो अब एरे के फॉर्मेट में इस टाइप से डेटा आएगा, तो आपका कुछ इस प्रकार से डेटा आ सकता है बेसिकली। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हार्ड कोडेड डेटा है, API से डेटा आएगा, तो आपका ये डायनेमिक डेटा आएगा जिसमें स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से होगा। नाउ ये तो समझ गए, ये दो चीज़ें आप समझ गए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है इस डेटा सोर्स के डेटा में आप अपने रियल डेटा डालेंगे। ये जो ट्री डेटा जो मैं यहाँ पे डाला हूँ वो आपके कंडीशन में API कॉल से आ सकता है। जब आप API का कॉल करेंगे तो वहाँ से डेटा आएगा, जो डेटा आएगा, और ये डेटा जो भी आएगा वो आप सेट कर रहे हैं। सेट कर रहे हैं मतलब किसको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया था मैट ट्री नेस्टेड डेटा सोर्स, उसको दे रहे हैं। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसका जो इंस्टेंस है ये बिहेवियरल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कंसोल आपको दिखाता हूँ, और ये कंसोल किया गया, देखिए कंसोल लॉग दिस डॉट डेटा सोर्स, इसके अंदर जो डेटा है देख सकते हैं वो बिहेवियरल सब्जेक्ट है, बिहेवियरल सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसे एज अ पब्लिशर, पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीकास्ट कर सकते हैं।
जो कोई भी इसको सब्सक्राइब करेगा लेटेस्ट डेटा उसको मिलेगा, उसके साथ साथ आप नया डेटा प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियरल सब्जेक्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्जेक्ट होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेबल होता है, जो इसके इंस्टेंस जितने भी हैं वो सेम डेटा को रिसीव करेंगे, साथ ही साथ आप इसको एज अ ऑब्जर्वर आप जो है नए डेटा को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड यूज करके आप न्यू डेटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं, इमिट कर सकते हैं लाइक अ स्ट्रीम, और जो भी इनके जो सब्सक्राइबर हैं सबको लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा। नाउ ये तो समझ गए आप क्या क्या समझे। सबसे पहले एंगुलर मटेरियल के लाइव मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कम मॉड्यूल में, देन उस कंपोनेंट में जिस पार्टिकुलर कंपोनेंट में बिल्ड कर रहे हैं उसमें नेस्टेड ट्री कंट्रोल और मैट ट्री नेस्टेड डेटा सोर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आपको मैट ट्री नेस्टेड डेटा सोर्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड। देन आप जो एपीआई कॉल करेंगे, एपीआई कॉल करने के बाद जो डेटा आएगा उस डेटा में सेट करेंगे, डेटा सोर्स डॉट डेटा में सेट करेंगे, एंड नेस्टेड ट्री कंट्रोल, नेस्टेड ट्री कंट्रोल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे ऐसा कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, जिसमें जो भी नोड है, नोड मतलब बेसिकली जो डेटा यहाँ पे आएगा उसका चिल्ड्रेन को प्राप्त करेगा, इस कोड के मतलब तो यही है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, डैट्स इट, इतना ही है। ये कहाँ से मिला? तो आप ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। नाउ ये हैज चाइल्ड क्या है? हैज चाइल्ड कुछ नहीं है, ये चेक करेगा कि जब आप डेटा को इसमें सेंड करेंगे तो ये चेक करेगा कि उसका चिल्ड्रेन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन एक एरे है, ठीक है, एरे में अब अगेन उसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट, इसमें की वैल्यू पेयर में ऑब्जेक्ट है लाइक नेम, एंड देन अगेन इसका भी चिल्ड्रेन है, तो इसका चिल्ड्रेन है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे नोड पास करेंगे, तो वो आपको उसका पता, ये ट्रू एंड फॉल्स में बूलियन वैल्यू में इसका रिटर्न मिलेगा कि ये इसका चिल्ड्रेन है या नहीं है। अब ये सारे चीज़ कहाँ यूज करेंगे? तो बेसिकली इसको हम लोग HTML में यूज करेंगे, इसीलिए ये सब चीज़ लिखे हुए हैं। तो अभी उतने अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं HTML बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। तो नाउ लेट्स गो टू द HTML पेज, और इसमें ध्यान रखिएगा मैट्री, मैट्री के अंदर देखिए एंगुलर मटेरियल को आप यूज करते हैं, उसके किसी भी मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, तो पहले से आपको बना बनाया डायरेक्टिव वगैरह मिल जाता है, तो ट्री स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए और बिल्ड करने के लिए बना बनाया आपको जो है डायरेक्टिव मिल गया है, उस डायरेक्टिव की मदद से इस फीचर को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, इंटरनली कोड लिखा हुआ है उसका। तो नाउ यहाँ पे डेटा सोर्स, पहले इस मैट ट्री में डेटा सोर्स देंगे, किस डेटा को आप एज अ ट्री शो कराना चाहते हैं तो उस डेटा को देंगे, डेटा सोर्स को देंगे। तो यहाँ पे देखिए डेटा सोर्स क्या है, तो डेटा सोर्स का वैल्यू डॉट, उसमें डेटा आपने सेट कर दिया, इट्स ऑल राइट, वो जो API से आएगा। देन ट्री कंट्रोल, ट्री कंट्रोल देंगे लाइक निस्टेड समथिंग, ये देखिए ट्री कंट्रोल, ये दोनों डायरेक्टिव में एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग आप उसको दे दिए, ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का देखिए ये सिंटैक्स है। नाउ मैट ट्री नोड, मैट ट्री नोड में अगर मान लीजिए कि सपोज दैट ये डिस्प्ले हो रहा है, तो इस टाइप से डेटा शो कर रहा है, तो ये लीफ नोड आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैट ट्री नोड डेफ, इसमें नोड का डिटेल, नोड का डिटेल मतलब क्या हुआ कि आप बेसिकली जो डेटा दे रहे हैं, डेटा से जो वैल्यू मिल रहा है उसको आप ऐसे डिस्प्ले कराएंगे, बट अगर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैट नेस्टेड ट्री नोड, मैट नेस्टेड ट्री नोड में पहले चेक करेंगे कि उसका चिल्ड्रेन है कि नहीं है, अगर चिल्ड्रेन अगर है, चिल्ड्रेन अगर है वहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से शो कराएंगे, मतलब सपोज दैट इज वेजिटेबल, वेजिटेबल का चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन है तो वो देखिए ग्रीन है, ग्रीन के अंदर उसका भी चिल्ड्रेन है, तो आप जो है इसके डेटा को आप प्राप्त करेंगे। फॉर इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपका डेटा है तो डेटा में चिल्ड्रेन है, इसके भी चिल्ड्रेन है, राइट, तो आप उसको तो शो कराएंगे, तो अगर चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन अगर है तो इस टाइप से शो कराएंगे, अगर नहीं है तो केवल नेम है तो फिर नहीं कराएंगे। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बिल्ड किया गया है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है,
इसमें इन्वॉल्व है ये हमारा बटन। ये क्या है बटन है, इधर देखिए क्लिक कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो एक्सपेंड हो रहा है और ये देख सकते हैं ये मिनिमाइज हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये बटन है। तो इसीलिए जो है मैट निस्टेड ट्री नोड में ये यहाँ पे एक डिवीजन है, डिवीजन के अंदर एक बटन है और ये बटन जो है ये डाउन एरो है या फिर डाउन एरो का सिंबल है या फिर राइट एरो। जब ये मिनिमाइज हो जाता है तो राइट एरो में कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज अगर एक्सपेंड करे तो डाउन एरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बटन है बटन के अंदर हमें कंडीशन लिखे हैं कि इज एक्सपेंडेबल। ये जो नोड है, नोड क्या है, वेरिएबल, जस्ट एक वैल्यू है, जो लूप एक टाइप का लूप चल रहा है, ठीक है। तो लूप लूप करके एक एक वैल्यू को, एरे के वैल्यू को प्राप्त कर रहा है और चेक कर रहा है कि उसका कोई जो है चिल्ड्रेन है कि नहीं है। कैसे चेक करेगा? तो हैज चिल्ड्रेन जो आपने यहाँ पे बनाया था आपको याद होगा, जिसमें आप ये चेक कर रहे थे कि उसका चिल्ड्रेन है कि नहीं है। तो अगर उसका चिल्ड्रेन अगर है तो वही कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो नाउ इस बटन में आप देख रहे हैं कि अगर चिल्ड्रेन अगर है तो यहाँ पे उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड मोर का सिंबल देंगे, मतलब ये इस टाइप के, अदरवाइज चेवरोट राइट करके, ठीक है। देखिए ये राइट करके एक एरो है, अदरवाइज ये नीचे वाला है। ये चीज़ें दोस्तों ये कहाँ से मिलेगा, ये डायरेक्टिव, तो ये डायरेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन से ही मिलेगा। देन ये नेम है नोड का, नेम नोड का नेम जो एपीआई से नेम आ रहा है वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन देखिए, ऑरेंज देखिए, तो ग्रीन का जो नेम कहाँ से आया, तो नेम आया इस जगह से। ये जो ग्रीन देख रहे हैं, ये जो ग्रीन देख रहे हैं नेम यहाँ से आ रहा है। आप एपीआई कॉल करेंगे आपके केस में वहाँ से आएगा। ओके, तो नेम हो गया, मतलब ये आपका बटन, इसका मतलब ये वाला आपका बटन हो गया, एरो का साइन एंड देन उसका नेम। ये जो है एक्सपेंड हो रहा है और जो है मिनिमाइज हो रहा है। ओके, एंड देन उसको आप डिस्प्ले करा रहे हैं, ये देखिए एनजी कंटेनर में, एनजी कंटेनर मैट नोड आउटलेट के थ्रू करा रहे हैं। ओके, कब? पहले चेक करेंगे कि वो इज एक्सपेंड, देख सकते हैं ट्री कंट्रोल जैसे जो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है इज एक्सपेंड, अगर एक्सपेंडेबल है तो उसको डिस्प्ले कराएंगे एनजी कंटेनर में, अदरवाइज आप नहीं कराएंगे। मतलब क्या कि ये क्लास कब आएगा, एग्जांपल ट्री इनविजिबल, ये क्लास कब आएगा, जब ये हमारा देख सकते हैं एक्सपेंड एक्सपेंडेड नहीं है तो। ओके, इट्स ऑल राइट। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो क्लास में कुछ नहीं है, डिस्प्ले नन कराया गया है। देखिए मैं सीएसएस को दिखाता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले नन किया गया है। ओके, उसी डिस्प्ले नन को वहाँ पे शो कराया जा रहा है इस जगह पे, और एनजी आउटलेट ये उसको डिस्प्ले कराएगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, इस कंडीशन में अगर फाइल और फोल्डर का स्ट्रक्चर है तो आप फाइल और फोल्डर का स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं। अब देखिए नोड नेम, नोड नेम के जगह पे अगर सपोज दैट डॉट लगा दिए और फाइल का टाइप है तो आप टाइप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सपोज दैट कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो टाइप आ जाएगा, देखिए फ्रूट डॉट फ्रूट आ गया इस कंडीशन में। अगर exe करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे ही हार्ड कोडेड लिख देते हैं, सपोज दैट exe। हो सकता है कि इसको आप एज अ टाइप शो कराएं, ठीक है, इसको एज अ टाइप भी शो करा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आपका कंडीशन क्या होगा कि अगर अगर वो फाइल अगर है, पहले ये चेक करेंगे कि फाइल है कि नहीं है, अगर फाइल है तो उसका टाइप क्या है, तो वो टाइप यहाँ पे शो कराएंगे। तो ये सब कंडीशन तो आप लिख ही सकते हैं मैं उम्मीद करूँगा। तो एक ब्रीफ मैं इसको रिवाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले जो रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपके अपने एप्लीकेशन में। देन जो आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट में नेस्टेड ट्री कंट्रोल और मैट ट्री नेस्टेड डेटा सोर्स, इन दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आपको जो डेटा आएगा, आपका जो डेटा आएगा एपीआई कॉल करके, उस डेटा को सेट करना पड़ेगा डेटा सोर्स में। देन एक आप मेथड बनाएंगे, ये चेक करेगा कि चिल्ड्रेन है कि नहीं है, ठीक है।
या फिर फाइल है कि फोल्डर है, अगर आपका फाइल और फोल्डर दिखाना चाहते हैं तो देन यहाँ पे क्या करेंगे, एच टी एम एल में डेटा सोर्स का जो वेरिएबल है, जो इंस्टेंस है वो प्रोवाइड करेंगे, ट्री कंट्रोल का इंस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, दो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। देन उसमें आप इस टाइप से लिखेंगे, अगर मान लीजिए एक्सपेंडेबल नहीं है, ठीक है, एक्सपेंडेबल नहीं है तो सपोज दैट इसमें क्या है, इसमें कोई बटन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं राइट, इसमें कोई बटन तो देख सकते हैं, फ्रूट में यहाँ पे बटन नहीं शो कर रहा है, इसमें बटन है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए लग रहा है कि बटन है। तो अगर मान लीजिए कि केवल फाइल है तो फाइल में जो है बटन नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडेबल नहीं होना चाहिए या मिनिमाइज करने लायक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हो गया। देन मैट नेस्टेड ट्री नोड हो गया, ओके। अब मान लीजिए कि एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है, अब मान लीजिए फ्रूट है मेरे, वेजिटेबल है, वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल, ऑरेंज वेजिटेबल, दो कलर का वेजिटेबल है, तो ये भी एक्सपेंडेबल है, तो उसके लिए मैट नेस्टेड ट्री नोड क्रिएट किया गया है। देन आपको चेक कर रहे हैं कि हैज चाइल्ड, मतलब उसका भी चिल्ड्रेन है कि नहीं है, अगर उसका भी चिल्ड्रेन है तो फिर वो एक्सपेंड करने वाला जो है आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा, देख सकते हैं आइदर ये राइट साइड में होता है इसका सिंबल या फिर डाउन साइड में, तो उसके लिए जो है ट्री कंट्रोल डॉट इज एक्सपेंडेड नोड, नोड क्या है, नोड लूप चल रहा है, तो एक एक वैल्यू को, वो वैल्यू एरे भी हो सकता है, एरे में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब ये है कि सपोज दैट ये आपका ये देखिए ये एरे है, इस एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको पहला नोड में ये मिलेगा, देन ये मिलेगा, अब इसके अंदर भी चिल्ड्रेन है तो फिर पहली बार में ये मिलेगा एंड देन नीचे ये मिलेगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके आपको दिखाऊँ, मान लीजिए चिल्ड्रेन नहीं है तो फिर वो शो नहीं होना चाहिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। ओके तो यहाँ पे दोस्तों ट्री कंट्रोल डॉट इज एक्सपेंडेड, अगर एक्सपेंडेड अगर है तो फिर इस प्रकार का, इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रिमूव ही कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, एक्सपेंड मोर, समथिंग लाइक दैट, एक्सपेंड मोर कर देंगे तो ये डाउन साइड में शो हो रहा है। ओके और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर चेवरॉन राइट करके है तो वो राइट साइड में शो हो रहा है, तो ये अगर एक्सपेंडेड है तो नीचे शो होगा, नहीं तो फिर राइट साइड में ये कंडीशन लगा हुआ है ये बटन के अंदर, देन इसी बटन के अंदर उसके बाद जो है ये बटन है, बटन के बाद जो है नेम शो कर रहा है, तो ये देखिए नेम शो कर रहा है नोड का नेम, ठीक है, तो यहाँ पे नोड का नेम शो हो गया, एक्सपेंडेड है तो एक्सपेंड करने का सिंबल शो हो रहा है, बटन शो हो रहा है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस इवेंट पे वो एक्सपेंड होगा, तो कैसे होगा, तो देखिए वो क्लास दिखा रहे हैं, वो विजिबल करना है कि नहीं करना है, अगर एक्सपेंडेड चेक करेंगे कि वो एक्सपेंड है कि नहीं है तो फिर विजिबल करो इसको, एनजी कंटेनर में डेटा को शो करो, मैट ट्री नोड आउटलेट में, मैट ट्री नोड आउटलेट डायरेक्टिव को यूज किया गया है एनजी कंटेनर में, तो डेटा को यहाँ पे शो किया जा रहा है, अगर एक्सपेंडेड है तो शो कराएंगे, एक्सपेंडेड नहीं है तो शो नहीं कराएंगे, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे क्लास यूज किया गया है, शो एंड हाइड किया जा रहा है, तो इस टाइप से आप बिल्ड कर सकते हैं एंगुलर मटेरियल टी को। ओके अब एंगुलर मटेरियल ट्री में किसी भी तरह का अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल, हैव अ नाइस डे।